अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की, कि वेबसाइट को आप किस तरह से मल्टी लैंग्वेज बना सकते हैं या डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर अपने यूज़र को अलाउ कर सकते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी डिज़ायर के मुताबिक आपकी वेबसाइट को ट्रांसलेट करके देख सकें। राइट, लेट्स सपोज आपका एक जो विजिटर है वो स्पेनिश है और वो आपकी वेबसाइट पे आता है और उसको इंग्लिश रीड नहीं करना आती, तो वो आपकी पूरी वेबसाइट को स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेट कर पाएगा। राइट, इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी लैंग्वेजेस आप इंटीग्रेट करेंगे वो सारी आपके यूज़र्स को फैसिलिटेट करेंगे और आपके यूज़र्स उनको यूज़ करते हुए आपकी वेबसाइट या आपकी वेब पेज को स्विच कर पाएंगे उनकी डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर। राइट, तो अब ये सारा किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर करना है यूजिंग अ फ्री प्लगइन। राइट, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो कि पेड हैं और कुछ पेड हैं या फिर कुछ फ्री हैं, तो उसके अंदर जो लैंग्वेजेस की लिमिट होती है वो एक या दो होती है, लेकिन इस प्लगइन के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट सारी ही। ये यूज़ करेगा गूगल ट्रांसलेट को और जितनी भी लैंग्वेजेस गूगल ट्रांसलेट में अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि सारा काम को प्रैक्टिकल किस तरह से करना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि आस्ट्रा थीम को यूज़ करते हुए डिज़ाइन की गई है। अगर आपको भी आस्ट्रा प्रीमियम इंतहाई चीप रेट्स के अंदर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे सिंपल लिखना है जी ट्रांसलेट। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा जी ट्रांसलेट और यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ये वाला प्लगइन बाय ट्रांसलेट AI मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशंस, इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद इसका जो विजिट है वो हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आते हैं, टूल्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, अपीयरेंस के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, प्लगइन्स के अंदर आके यहाँ पे ये जी ट्रांसलेट है, सिंपल सेटिंग्स के अंदर क्लिक कर देंगे। सेटिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें सेटिंग के अंदर ये जी ट्रांसलेट और यहाँ पे कुछ इस तरह के इसकी सेटिंग्स मौजूद हैं। राइट, तो अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। अब जैसे ही इसको मैंने एक्टिवेट किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें कोई विजिट भी नहीं है, तो मैं इसको रिलोड करूँगा और रिलोड करने के बाद यहाँ पे देखें हमें एक विजिट शो होना चाहिए ट्रांसलेशन का, जो कि अभी भी नहीं शो हो रहा अगेन। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लेता हूँ कि कौन सा विजिट कहाँ पर शो होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर देखें विजिट लुक फ्लोट पॉपअप या फ्लैग्स या ड्रॉप डाउन कुछ भी हो, और उसके बाद ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश, मतलब हमारी जो मेजर लैंग्वेज है, जो वेबसाइट की मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे केस में इंग्लिश है। तो यहाँ पे नेटिव लैंग्वेजेस नेम, ऑटो स्विच ब्राउजर लैंग्वेज, इनेबल CDN, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मे बी वो कैशे की वजह से वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करता हूँ इसको अगेन सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये सेव हो चुका है। इसको मैं क्या करता हूँ, इनकोग्नेटो मोड के अंदर चेक करता हूँ इस वेबसाइट को, क्या ट्रांसलेशन वाले ऑप्शंस हमें आए हैं या नहीं आए। वहाँ पे शायद कैशे की वजह से शो नहीं हो रही वो ऑप्शंस, तो हमने यहाँ पे अगेन वेबसाइट को ओपन किया बट स्टिल यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ट्रांसलेशन का। तो हम जाके चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली फॉर पेड वर्शन, नेटिव लैंग्वेजेस नेम्स, ओके शो इन मेन्यू। ओके, यहाँ पे देखें ये आप इसको शो करवा सकते हैं कि कहाँ पे शो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसको फुटर मेन्यू या लॉग्ड इन अकाउंट सेकेंडरी, तो मैं इसको कह देता हूँ कि प्राइमरी मेन्यू के अंदर शो होना चाहिए। अगेन इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड कर दूंगा और यहाँ पे होप्स हो अब की दफ़ा ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे जो वो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे भी देख लेता हूँ यहाँ पे किस तरह से नज़र आ रहा है। तो इसको रिलोड करते हैं। अगेन ये रिलोड नहीं हो रहा, इसको मैं कट करके फिर से ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये लैंग्वेजेस डिफरेंट शो हो रही हैं। अब यहाँ पे इनको आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे इसको स्पेनिश में चेंज करना है, तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा स्पेनिश के अंदर। यहाँ पे देखें मेरी पूरी वेबसाइट स्पेनिश के अंदर चेंज हो चुकी है। अगर आपका कोई यूज़र स्पेनिश है तो वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग
वो लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, और ये लैंग्वेजेस को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से जो लैंग्वेजेस आप दिखाना चाह रहे हो वो यहाँ से चेक कर दोगे, जो नहीं दिखाना चाह रहे हो उनको हाइड कर दोगे। उसके साथ साथ ही यहाँ पे देखें विजिट प्रीव्यू, कुछ इस तरह से विजिट प्रीव्यू यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है। विजिट लुक, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे इस तरह से शो करवाना चाह रहे हैं, इस तरह से पॉपअप में शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। और ये फ्लैग्स, ओनली फ्लैग्स शो करवाना चाह रहे हैं, इस तरह से फ्लैग्स आपके शो हो जाएंगे। तो ये सारे डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह से आप एक मल्टीलिंगुअल वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से ये ऑप्शन आप सेटअप कर सकते हैं अपने या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर। किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए।